हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर पर्सनल इंग्लिश कोच दिव्यम हियर और मैं आपको समझाने वाला हूँ राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर हिंदी में। आप सोचोगे कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, ये तो मेरे टेक्स्ट बुक में नहीं है। हाँ, ये डॉक्यूमेंट आपके टेक्स्ट बुक का नहीं है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल पोएम है रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको पूरा पोएम दिखाऊं और फिर उसको समझाऊं टू इंक्रीज योर इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। तो देखो, ये जो डॉक्यूमेंट है दैट इज द एक्चुअल पोएम एज आई सेड, और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने ये जो राइम लिखी है इट इज इन 7 parts। तो ये जो पोएम है इट इज वेरी लेंथी बट वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखो 7 parts है इसके, और ये डॉक्यूमेंट खुद बहुत ही लंबा है, इट इज ऑफ ऑलमोस्ट 9 pages। और इसमें से योर सिलेबस इज हैविंग फर्स्ट 2 stanzas जो कि the beginning is also equally interesting. So let's begin without wasting any more time. So सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए, English में कभी भी आपको कोई भी word समझ में नहीं आ रहा है, so ask questions, look out for dictionary related apps, look out for good books. So rhyme का मतलब क्या है? Rhyme का मतलब होता है rhyme. ये जो poets होते हैं they try to make the poems interesting by reframing the words. So यहाँ पे जो rhyme है it's actually rhyme, rhyme. Now we know that rhyme means 2 words having the same sound. ठीक है, for example, if we take these 2 words here, mariner, you know they sound the same. So ये एक ऐसी story है एक mariner की जिसके साथ कुछ घटना घटी थी past में. So we can say that this is a story of an ancient mariner. Now what is a mariner? Mariner is someone who travels in the ship. जो ship में रहता है आप इसे sailor भी कह सकते हो. तो ये एक ऐसी घटना है जो इस mariner के साथ घटी थी और ये Samuel Taylor Coleridge ने लिखी है. This is a poem. You can consider it as a fiction. Let's begin. Part 1 से शुरू करेंगे. It is an ancient mariner and he stoppeth one of 3. By thy long beard and glittering eye, now wherefore stops thou me? First 2 lines का मतलब ये है कि it is an ancient mariner, मतलब बहुत ही बूढ़ा सा एक sailor खड़ा है, और he stoppeth one of 3, यानी कि one of 3, मतलब यहाँ पे scene ऐसा है, situation ऐसी है कि एक marriage ceremony चल रही है और 3 guests मैरिनर को दिखे, और उन 3 guests में से उसने 1 guest को रोका। By the long grey beard and glittering eye, now wherefore stops thou me? अब ये जो लाइन है that is spoken by the guest. एक गेस्ट बोल रहा है, वो पूछ रहा है कि इतनी बड़ी दाढ़ी लेकर और इतनी अच्छी glittering eyes लेकर मुझे क्यों रोका? So इसका background मैं आपको बता दूं, जो मैरिनर रहता है उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है कि वो दुखी रहता है। अब अनलेस एंड अनटिल ही टेल्स दिस स्टोरी टू समवन, वो जो उसका दुख है वो मिटेगा नहीं। तो ये बहुत जरूरी था कि वो अपनी दास्तान किसी को बताए, तो इसीलिए वो किसी को भी पकड़ रहा है, जो भी सेरेमनी में आ रहा है उसको किसी को भी पकड़ रहा है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ही हैज टू चूज अ पर्सन विथ सम स्पेसिफिक लुक्स। सो 3 guests उसको दिखे, उसमें से उसने किसी एक को पकड़ लिया। अब यहां पे जो ग्लिटरिंग आय है उसका मतलब है, उसका ये एक अजम्पशन है कि मैरिनर के पास हिप्नोसिस के पावर्स थे। हिप्नोसिस मतलब किसी को भी काबू में कर लेना, आइदर बाय वॉइस, आइदर बाय आईज, बाय एनी मीन्स। नेक्स्ट है, द ब्राइट ग्रूम्स डोर्स आर ओपनड वाइड एंड आई एम द नेक्स्ट ऑफ किन, द गेस्ट्स आर मेट, द फीस्ट इज सेट, मेस्ट हेयर द मेरी डिन। तो ये जो लाइन्स है वो भी गेस्ट ही बता रहा है, वो कह रहा है कि ब्राइड ग्रूम्स डोर्स, यानी कि जो शादी के लिए जो कपल है और जो सेरेमनी है, जो वेन्यू है, उसके डोर्स ऑलरेडी खुल चुके हैं फॉर द गेस्ट टू कम इन, और आई एम द नेक्स्ट ऑफ द किन, किन मतलब क्लोजेस्ट रिलेटिव, यानी कि मैं ब्राइड ग्रूम जो है कपल है उसका बहुत ही अच्छा रिश्तेदार हूँ, बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार हूँ। द गेस्ट आर मेट, द फीस्ट इज सेट, यानी कि सब लोग आ चुके हैं, खाना भी लग चुका है, मेस्ट हियर द मेरी डिन, और म्यूजिक भी चल रहा है, म्यूजिक भी चालू शुरू हो चुका है। सो वो कह रहा है मैरिनर की मुझे क्यों रोका, मुझे जाना है अंदर, मुझे जाने दो। ही होल्ड्स हिम विथ हिज स्किनी हैंड,
there was a ship, quoth he. Hold off and hand me, graybeard loon. Absence his hand dropped he. ये जो लाइन कंटिन्यूएशन है वो पेज के सेकेंड हाफ में ऊपर एब्सेंस हिज हैंड ड्रॉप्ड ही. ओके, इसका मतलब ये है कि ही होल्ड्स हिम विथ हिज स्किनी हैंड. अब स्किनी क्यों बोला गया है, क्योंकि जो मैरिनर या तो फिर सेलर है वो बूढ़ा है. अब उसके बॉडी में सिर्फ स्किन और बोन्स ही बचे हैं, तो इसलिए जो बूढ़े लोग होते हैं वी कॉल देयर टेक्सचर या तो फिर द स्किन टाइप एज स्किनी. सो स्किनी हैंड जो है उसने उसके कंधे पे रखा और वो बोलने लगा, क्योंकि उसको बोलना जरूरी है, उसको अपनी दास्तान किसी को बतानी जरूरी है. तो वो क्या कह रहा है कि देयर वाज अ शिप, वो शुरू हो चुका. देयर वाज अ शिप, एक बार एक शिप थी. क्वोथ ही मतलब कोटेड ही, यानी कि और वी कैन से दैट सेड ही. और जो नेक्स्ट लाइन से होल्ड ऑफ अनहैंड मी ग्रे बियर्ड लून एब्सेंस एब्सेंस हिज हैंड ड्रॉप्ड ही. अब इसका मतलब ये है, ये जो लाइन से अगेन इज स्पोकन बाय द गेस्ट, वो कह रहा है कि हाथ हटाओ मेरे कंधे से. ग्रे बियर्ड लून, लून मतलब ल्यूनेटिक यानी कि पागल आदमी, जो उसकी बियर्ड है वो ग्रे कलर की क्योंकि वो बूढ़ा है. अनहैंड मी मतलब हाथ हटाओ मेरे कंधे से. एब्सेंस हिज हैंड ड्रॉप्ड ही यानी कि एब्सेंस मतलब वेरी क्विकली, तुरंत ही वो मैरिनर ने अपना हाथ हटा दिया. और यहाँ पे इंग्लिश में समरी भी लिखी है, लेकिन इट्स बेटर इफ आई एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन ताकि आपको क्लियर कट मीनिंग पता चले. आगे बढ़ते हैं. ही होल्ड्स हिम विद हिज ग्लिटरिंग आई. द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल एंड लिसन्स लाइक अ थ्री इयर्स चाइल्ड. द मैरिनर हैथ हिज विल. ही होल्ड्स हिम विद हिज ग्लिटरिंग आई. होल्ड्स हिम मतलब मैरिनर ने सेलर को पकड़ के रखा है. कैसे? विथ हिज ग्लिटरिंग आईज. ग्लिटरिंग आईज, एज आई सेड, यहां पे ऐसा अजम्पशन है कि मैरिनर के पास हिप्नोसिस के पावर्स थे. तो वो अपनी होता है ना कि एक आदमी दूसरे आदमी को पकड़ के रखता है आंखों में आंखें डाल के. तो मैरिनर, क्योंकि उसको अपनी दास्तान बतानी थी, तो वो गेस्ट को अपनी आंखों में आंखें डाल के मजबूर कर रहा था उसको सुनने के लिए. द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल यानी कि बिकॉज ऑफ हिज आईज, बिकॉज ऑफ हिज पावर ऑफ हिप्नोसिस, वेडिंग गेस्ट वहीं के वहीं खड़ा था, वो हिल भी नहीं पा रहा था. And listens like a three-year child, the mariner hath his will. 3 साल के छोटे बच्चे की तरह उसको mariner की दास्तान सुननी पड़ी. The mariner hath मतलब had, ये traditional English है. Hath का मतलब होता है had his will. Will मतलब इच्छा, यानी कि mariner जो करना चाहता था वो उसने किया. The wedding guest sat on a stone. He cannot choose but hear. And thus spake on that ancient man, the bright-eyed mariner. यानी कि वेडिंग गेस्ट जो है, अब क्योंकि वो हिल नहीं पा रहा है, वो एक पत्थर पे बैठ गया. ही कैन नॉट चूज बट हियर, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको सुनना ही पड़ेगा. एंड थस स्पीक ऑन दैट एंशियंट मैन द ब्राइट आइड मैरिनर. यानी कि व्हेन ही सैट ऑन द स्टोन, अब वो बैठ चुका, वो सेटल हो चुका है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैरिनर को सुनना ही पड़ेगा. सो देयरफॉर, स्पीक का मतलब है स्पोक, इट इज द पास्ट टेंस ऑफ स्पीक. On that ancient man, the bright-eyed mariner. So, ये लाइन का मतलब इतना ही है कि मैरिनर सेलर से बातें करने लगा. He started his talk when he settled down. The ship was cheered, the harbor cleared, merrily did we drop, below the curve, below the hill, below the lighthouse top. अब ये जो है, this is spoken by the mariner, यानी कि सेलर. अब you can imagine a situation where a mariner is standing, and the guest has already settled down. और अब mariner जो है वो अपनी आंखें हैं, उसकी आंखों में डाल के ये सारा कुछ बोल रहा है कि एक बार एक ship थी जिसमें सब लोग खुश थे और harbor was cleared, यानी कि जब ship harbor यानी कि जहाँ पे ships रखी जाती है, where they are anchored, so वहाँ पे harbor clear करना पड़ता है. so they check if the ship can take off. And ship was cheered. So cheered मतलब to cheer means to किसी को encourage करना, किसी को खुश करना, यानी कि everybody was happy, we can say, on the ship. And the harbor cleared, यानी कि harbor clear हो चुका था, we were good to go, हमें signal मिल चुका था कि हमें अब निकलना चाहिए. Merrily did we drop. Again, this line indicates कि सब लोग खुश थे. Merry, merry making means it's related to happiness. Below the curve, below the hill, below the lighthouse top. Below the curve यानी कि below the church. Below the hill
यानी कि एक आप एक इमेज आप इमेज आ, आ, सोच सकते हो जब एक शिप जो है इट इज एट द हार्बर, सब कुछ क्लियर हो चुका है, देर इज अ माउंटेन बिहाइंड, और माउंटेन में और यू कैन से देर इज अ हिल, और हिल के ऊपर समवेयर कर्क यानी कि चर्च, एक चर्च है, एक लाइट हाउस है और एक हिल है. अब और उसके आगे थोड़ा सा आगे देर इज अ वाटर बॉडी जिसमें से ये शिप निकलने वाला है. सो वी कैन अज्यूम दैट सब कुछ अच्छा था, मैरिनर सब खुश थे और हार्बर भी क्लियर हो चुका था, दे वर जस्ट अबाउट टू टेक ऑफ, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन टिल नाउ. फिर क्या हुआ, द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही एंड ही शोन ब्राइट एंड ऑन द राइट वेंट डाउन इन टू द सी. तो आप इमेजिन करो कि ये जो मैरिनर है, ये जो बूढ़ा सा मैरिनर है, वो कह रहा है कि द डेज वेंट एज यूजुअल. ये स्टैंजा का मतलब यही है कि लाइफ वॉज एज यूजुअल. सो वो कह रहा है कि सन केम अप अपॉन द लेफ्ट. सन लेफ्ट से कब निकल सकता है, सोचो. सन राइजेस इन द ईस्ट. सो आप ये सोच सकते हो कि मैरिनर इस तरीके से खड़ा है कि उसके लेफ्ट में से सन राइज हो रहा है और राइट में से सेटल डाउन हो रहा है, सनसेट हो रहा है. तो he says that he shone bright and on the right went down into the sea. So sunset jo sunlight ya to fir sun rays jo the wo bhi bahut hi brightly shine kar rahe the, not too hot not too cold, bahut hi mazedar atmosphere tha aur everything was going fine. Higher and higher every day till all the mast at noon, the wedding guest here beat his breast for he heard the loud bazoon. To ye line ka matlab jo first two lines hain, that is spoken by the mariner. वो कह रहा है कि ही इज ट्राइंग टू टेल द वेडिंग गेस्ट अबाउट द लोकेशन ऑफ द सन. वो कह रहा है कि सन जो है सनराइज हो रहा था एंड यू नो टिल द मास्ट. नाउ मास्ट इज पार्ट ऑफ द शिप. मास्ट होता है और सेल्स होते हैं, आप इमेजिन कर सकते हो. शिप पुरानी शिप जिसमें दे यूज टू बी पोल्स और दो पोल्स के बीच एक कपड़ा बंधा हुआ रहता था. सो वॉट वुड हैपन इज जो विंड है, force of the wind would naturally push the ship in the direction of the wind because of the sail. So mast jo hai, mast tak you know the sunrise or sunset we could see. And yahan pe while he is narrating this story, ye jo wedding guest hai wo bahut panic kar raha hai kyunki wo aaya tha marriage ceremony ke liye, aur yahan pe he has to listen to some mad mariner, you know, jo apni dastan bata raha hai, usse control nahi ho pa raha hai, wo impatient ho raha hai. क्यों वो इम्पेशेंट हो रहा है, क्योंकि उसको बजून सुनाई दिया. बजून इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. बजून तब बजता है जब कुछ शुरू होने वाला होता है. तो वेडिंग गेस्ट को वो सुनाई पड़ता है और वो और भी पैनिक करने लगता है. द ब्राइड हैथ पेस्ड इन टू द हॉल, रेड एज रोज इज शी, नॉडिंग देयर हेड्स बिफोर हर गोज द मैरी मिनिस्ट्रल सी. जो ब्राइड हैड पेस्ड, पेस करना मतलब दौड़ लगाना होता है, इट इज टू रेस इन शॉर्ट. और ब्राइड हैड पेस्ड, हैथ का मतलब होता है हैड, यानी कि ब्राइड जो है वो हॉल में आ चुकी थी. इसका मतलब यह नहीं कि ब्राइड इज यू नो गेटिंग इनटू द हॉल वेरी क्विकली. इट जस्ट मींस कि ब्राइड भी आ चुकी थी. रेड एज रोज इज शी. अब इसके दो मीनिंग है. आप इमेजिन कर सकते हो कि ब्राइड इतनी खूबसूरत है दैट शी इज लुकिंग लाइक अ रोज, or you can imagine the bride to be having a red attire. Shayad usne aise kapde pehne hain ki wo phool jaisi dikh rahi hai. Okay, nodding the heads before her goes the merry minstrelsy. ab ye jo minstrelsy jo concept hai, purane zamane mein black people, wahan pe racism bahut zyada hai, to black people, it is said that black people have music in their DNAs. तो क्या होता था कि आज भी, इफ यू आर नॉट अवेयर, हिप हॉप इज द जॉनर ऑफ द ब्लैक पीपल. ये जो रैप सॉन्ग्स वगैरह है, इट केम फ्रॉम द ब्लैक पीपल. सो बहुत सालों से दे आर इनटू दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और जब शादियां होती है तो दे आर द पीपल यूजुअली हु आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ब्राइड और सबको एंटरटेन करते हैं जस्ट टू मेक एवरीवन हैप्पी. सो नॉडिंग देयर हेड्स, वो अपनी मुंडी हिला रहे हैं और समहाउ दे आर ट्राइंग टू एंटरटेन द पीपल. एंड द मैरी, मैरी मतलब वो भी खुश दिख रहे हैं, मैरी मिनिस्ट्रेलसी. तो वेडिंग गेस्ट ही बीट हिज ब्रेस्ट येट ही कैनॉट चूज बट हियर एंड थस स्पीक ऑन दैट एंशियंट मैन द ब्राइट आइड मैरिनर. अब ये रेपिटेशन है.
क्यों रेपिटेशन है, क्योंकि इट जस्ट मीन्स दैट वेडिंग गेस्ट यहाँ पे बहुत पैनिक कर रहा है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको सुनना ही पड़ रहा है. एंड देन द सेकेंड टू लाइन्स आर रिपीटेड, सेकेंड पेयर ऑफ लाइन्स. अब नेक्स्ट, अब यहां पे ट्विस्ट है कहानी में. ट्विस्ट ये है कि एंड नाउ द स्टॉर्म ब्लास्ट केम एंड ही वॉज टिरनस एंड स्ट्रॉन्ग, ही स्ट्रक विथ हिज ओवरटेकिंग विंग्स एंड चेज्ड अस साउथ अलोंग. स्टॉर्म ब्लास्ट यानी कि बहुत ही खतरनाक तूफान आया. सो यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये जो जर्नी है, शिप का जर्नी अलोंग विद लॉट ऑफ सेलर्स, इट इज फॉर अ कपल ऑफ डेज. पुराने जमाने में इट्स नॉट एज इजी एज इट इज राइट नाउ कि आप यू नो फ्लाइट में बैठे और पहुंच गए. पीपल यूज टू ट्रैवल बाय बुलक कार्ट्स, पीपल यूज टू ट्रैवल बाय शिप्स, एंड इट यूज टू टेक डेज एंड डेज एंड डेज. तो यहां पर भी वी डोंट नो द रीजन ऑफ द जर्नी, लेकिन ये जो जर्नी है वो बहुत दिनों तक चलने वाली है. सो वी कैन इमेजिन फ्यू डेज हैव ऑलरेडी पास्ड और शिप जो है नदी या वाटर बॉडी के बीच में है और एक स्टॉर्म आया, बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म, और टिरनस एंड स्ट्रॉन्ग यानी कि टिरनस मतलब क्रूअल, यानी कि सब तहस नहस करने वाला. ही स्ट्रक विद हिज ओवरटेकिंग विंग्स, अब ये पर्सोनिफिकेशन है, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच. मेरा एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच. वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे हैं, देर आर मोर देन 100, लेकिन वाइडली यूज फिगर्स ऑफ स्पीच कुछ ही हैं. वी विल सी दैट इन अनदर वीडियो. बट व्हाई दिस इज अ पर्सोनिफिकेशन, इट्स बिकॉज द स्टॉर्म इज सेट टू हैव ओवरटेकिंग विंग्स, यानी कि स्टॉर्म जो है वो शिप को ओवरटेक कर रहा है. तो स्टॉर्म के पास विंग्स है ऐसा माना गया है. सो कैन अ स्टॉर्म हैव विंग्स? नो. सो यहां पे एक नॉन लिविंग थिंग को लाइफ दी गई है, दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज पर्सोनिफाइड एंड दैट्स व्हाई इट इज अ पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट लाइन, एंड चेज्ड अस साउथ अलोंग, चेज्ड अस साउथ अलोंग. तो इस लाइन का मतलब यह है कि शिप जो है वो ऑलरेडी साउथ डायरेक्शन में जा रही थी और पीछे से स्टॉर्म आया, ठीक है. तो शिप के पीछे स्टॉर्म है और वो उसको फॉलो कर रहा है, वी कैन इमेजिन दैट. With sloping masts and dipping prow, as who pursued with yell and blow, still treads the shadow of his foe, and forward bends his head. The ship drove fast, loud roared the blast. The southward a we fled. Sloping masts and dipping prow. Sloping मतलब इधर से उधर होना. Masts I already told you, एक pole होता है ship में जहाँ पे जिसके ऊपर sails बंधे हुए होते हैं. एंड डिपिंग प्राउ, प्राउ का मतलब शायद आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, प्राउ इज नथिंग बट शिप का जो आगे का पोर्शन है उसको हम कहते हैं प्राउ. डिपिंग प्राउ यानी कि वो पानी में डूब चुका था, शिप का जो आगे का पोर्शन था वो डूब चुका था, ऐसा लग रहा था कि शिप डूबने वाली है. एज वो परस्यूड विथ येल एंड ब्लो, येल एंड ब्लो मतलब, येल मतलब चिल्लाना, एंड ब्लो मतलब, ब्लो के बहुत सारे मीनिंग है. ब्लो इज ऑल्सो हिटिंग समवन. And we can imagine that the storm is hitting the ship. Still treads the shadow of his foe. Ab treads the shadow of his foe. Foe ka matlab hai enemy. Hum kehte hai na friend or foe. Are you my friend or foe? Yani ki aap mere dost ho ya dushman. Still treads the shadow of his foe. Ab aisa lag raha tha ki ship ka jo shadow hai, that is a storm. Itna nazdik aa chuka tha aur takra raha tha ship se. And forward bends his head. फॉरवर्ड बेंड्स इज हेड मतलब ऐसा लग रहा था कि शिप जो है उस वो स्टॉर्म के सामने अपना सर झुका रही है. सो अगेन अनदर पर्सोनिफिकेशन, द शिप ड्रोव फास्ट लाउड रोड द ब्लास्ट द साउथ वर्ड ए वी फ्लेड, यानी कि जो हेल्म्समैन है, हेल्म्समैन कौन होता है, जो शिप चलाता है, ठीक है. तो उसने शिप का स्पीड बढ़ा दिया ताकि वो तूफान से छुटकारा पा सके. लाउड रोड द ब्लास्ट यानी कि बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगी शिप में, सब लोग पैनिक करने लगे. साउथवर्ड ए वी फ्लेड यानी कि हेल्म्समैन ने स्पीड इतनी तेज कर दी कि साउथ डायरेक्शन में वो फटाफट बहुत ही जल्दी जाने लगे. नेक्स्ट, एंड नाउ देयर केम बोथ मिस्ट एंड स्नो एंड इट ग्रू वॉन्ड्रस कोल्ड एंड आइस मैस्ट हाई केम फ्लोटिंग बाय एज ग्रीन एज एन एमराल्ड. ओके, तो वी ऑलरेडी नो दैट तूफान आ चुका है और अब मिस्ट और स्नो, मिस्ट यानी कि फॉग जो विंटर्स में आपको दिखता है रास्ते पे, और स्नो यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ स्नो यानी कि आइस. एंड इट ग्रू वॉन्ड्रस कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी तूफान के बाद. एंड आइस मैस्ट हाई केम फ्लोटिंग बाय, सो केम फ्लोटिंग बाय मतलब आप इमेजिन कर सकते हो शिप आगे जा रही है, ठीक है,
और शिप के आगे एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग है, ठीक है, एंड आइस मैस्ट हाई, यानी कि शिप के जो मैस्ट थे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ मैस्ट, इट इज अ पोल, यानी कि खंबे होते हैं लकड़ी के, यू कैन इमेजिन हाउ हाइटेड दे कैन बी। तो इतना बड़ा आइसबर्ग जो है शिप के सामने ही था, एग्जैक्टली केम फ्लोटिंग बाय, सामने से कहीं से तो भी वो आया, एज ग्रीन एज एमराल्ड। अब एमराल्ड इज अ डायमंड, दुनिया का सबसे कॉस्टलियस्ट डायमंड एमराल्ड है, और वो इट कैन गो अप टू ₹2 लाख, छोटा सा पीस जो है वो दो लाख रुपयों का आ सकता है, उसे ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पे पोएट ने, सैमुअल टेलर कोलरिज ने उसको एक एमराल्ड के साथ कंपेयर किया है, जो आइसबर्ग है उसको, मे बी बिकॉज इट वॉज लुकिंग ग्रीन, मे बी बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज। डायमंड आपको बताया कि इट इज यूज फॉर कटिंग स्टील, और डायमंड इतना टफ होता है, तो शायद आइसबर्ग भी उतना ही टफ था कि पोएट ने उसको एमराल्ड के साथ कंपेयर किया। एंड थ्रू द ड्रिफ्ट्स द स्नोई क्लिफ्स डिड सेंड अ डिसमिसल शीन, नॉर शेप ऑफ मैन नॉर बीस्ट्स वी कैन, द आइस वॉज ऑल बिटवीन। ड्रिफ्ट होना मतलब सरकना, सो स्नोई क्लिफ्स, स्नोई क्लिफ, क्लिफ यानी कि अगेन इट इज जस्ट लाइक अ एलिवेटेड पार्ट ऑफ द लैंड। सो आप इमेजिन कर सकते हो शिप जो है यहां से वहां हो रही है बिटवीन आइसबर्ग्स, इट इज ड्रिफ्टिंग, इट इज शिफ्टिंग, एंड डिड्स इन अ डिसमिसल शीन। व्हेन यू डिसमिस समवन, इट्स लाइक इट्स कॉल्ड दफा हो जाना, हिंदी में दफा करना होता है। शीन इज अगेन समथिंग रिलेटेड टू क्रूअल, सो इट्स लाइक शिप को बहुत ही बेरहमी से, बहुत ही क्रुएल्टी से दफा होने के लिए कहा गया है। किसने कहा है? इट्स दिस स्टॉर्म, इट्स द वेदर। नॉर शेप ऑफ मैन नॉर बीस्ट वी कैन, द आइस वॉज ऑल बिटवीन। शेप ऑफ मैन बीस्ट वी कैन, बीस्ट का मतलब होता है एनिमल, शेप ऑफ मैन इसलिए कहा गया है क्योंकि अब इतना ज्यादा फॉग, इतना ज्यादा मिस्ट हो गया था एटमोसफियर में कि जो मैरिनर है या जो भी सेलर्स थे उनको सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, नॉट इवन द अदर पीपल, नॉट इवन द पार्ट्स ऑफ द शिप, कुछ भी नहीं दिख, सब धुंधला हो चुका था। द आइस वॉज ऑल बिटवीन, क्यों धुंधला हो चुका था? क्योंकि टू ऑब्जेक्ट्स के बीच देयर वॉज लॉट ऑफ आइस एंड मिस्ट। आइस वॉज हियर, आइस वॉज देयर, आइस वॉज ऑल अराउंड, यानी कि चारों तरफ देयर वॉज फॉग एंड मिस्ट एंड आइस। इट क्रैक्ड एंड ग्राउल्ड एंड रोड एंड हावर लाइक नॉइजेस इन द स्वाउंड। अब ये जो वर्ड्स है, क्रैक्ड, ग्राउल्ड, रोड, हावर, ये सारे दीज आर जस्ट द टाइप ऑफ साउंड्स दैट द मैरिनर्स हर्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म एंड आइस, ठीक है, लाइक नॉइजेस इन द स्वाउंड। मीनिंग ऑफ स्वाउंड इज टू फेंट। अब आप इमेजिन कर सकते हो अ क्रीचर हु इज इन पेन एंड हु इज फेंटिंग, बेहोश हो रहा है, ठीक है। तो उस वो जो घटना है, द इंसिडेंट ऑफ फेंटिंग, यू कैन रिलेट इट विद अ शिप, यू नो, बिकॉज आवाजें वैसी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि अ शिप एंड द होल यू नो क्रू वॉज फेंटिंग, मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइसेस। सो देर इज अ लॉट ऑफ बैड वेदर एंड ऑल द मैरिनर्स आर इन ट्रबल। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पोएम, एट लेंथ डिड क्रॉस एन एल्बेट्रॉस, थ्रू द फॉग इट केम, एज इफ इट हैड बीन अ क्रिश्चियन सोल, वी हेल्ड इट इन गॉड्स नेम। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन्स है ये। यू ऑलरेडी नो द सिचुएशन, शिप जो है वो इट्स इन द मिडल ऑफ अ वाटर बॉडी और बहुत सारा स्टॉर्म है, देर आर आइसबर्ग्स ऑल अराउंड, सब लोग बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। अब ऐसे में व्हेन द मैरिनर लुक्ड अप, उसको दिखा एक बर्ड और वो था एल्बेट्रॉस, और एल्बेट्रॉस जो है फॉग स्टॉर्म सब कुछ चीर के आ रहा है शिप के ऊपर। नाउ हमारे साथ जब भी कुछ अच्छा होता है, व्हेन वी आर इन ट्रबल, व्हाट वी थिंक दैट इट्स गॉड, ठीक है। तो ये लोग ने भी वही सोचा कि शायद एक सोल है, शायद एक स्पिरिट है, इट्स अ गुड स्पिरिट, इट्स अ क्रिश्चियन सोल, वी हेल्ड इट इन गॉड्स नेम। हेल करना मतलब टू ब्रेस समवन, टू एम्ब्रेस समवन, टू एक्सेप्ट समवन, टू अप्रिशिएट समथिंग और समवन इन गॉड्स नेम, यानी कि सबने कहा कि यू नो प्रेज द लॉर्ड, देयर इज अ क्रिश्चियन सोल हु हैज कम टू सेव अस, समथिंग लाइक दैट। इट एट द फूड इट नेवर हैव ईट, एंड राउंड इट फ्लू, द आइस डिड स्प्लिट विद अ थंडरस फिट, द हेल्म्समैन स्टीयर्ड अस थ्रू।
इट एट द फूड इट नेवर हैड ईट. इसका मतलब कि वो जो एल्बेट्रॉस है वो जो खाना नहीं खा सकता वो भी उसने खाया शिप में जाके, और वो शिप के इर्द गिर्द घूमने लगा. राउंड एंड राउंड फ्लू द आइस डिड स्प्लिट विद अ थंडर फिट द हेम्समैन स्टेयर्ड अस थ्रू. जब भी एल्बेट्रॉस आया शिप के ऊपर और वो स्ट्रेंज कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा था, एज आई सेड इट इट एट द फूड इट नेवर हैड ईट, तो क्या हुआ कि जितने भी आइसबर्ग्स हैं वो टूट गए और शिप के लिए आइसबर्ग्स ने एक रास्ता बनाया. तो जैसे ही रास्ता बना हेल्म्समैन ने वहां से शिप को आगे लेके गया. नेक्स्ट स्टैंजा. एंड अ गुड साउथ विंड स्प्रंग अप बिहाइंड द एल्बेट्रॉस डिड फॉलो एंड एवरी डे फॉर फूड और प्ले केम टू द मैरिनर्स हॉलो. यानी कि जब भी ये एल्बेट्रॉस आता था, और हम ये कह सकते हैं कि एल्बेट्रॉस के आने के बाद देयर वाज अ साउथ विंड. सो अभी वी ऑलरेडी नो दैट द शिप इज गोइंग इन साउथ डायरेक्शन, तो बहुत अच्छी हवा आने लगी. एल्बेट्रॉस जो है उसकी वजह से यू नो द एटमोस्फियर वॉज सेटलिंग डाउन. सो तूफान है वो भी शांत हो गया, आइसबर्ग्स भी टूट गए. और द नेक्स्ट लाइन सेज एंड एवरी डे फॉर फूड और प्ले केम टू द मैरिनर्स हॉलो. यानी कि या तो वो खेलने आता था शिप के ऊपर या तो वो खाने आता था रोज रोज, बिकॉज दोस्ती हो चुकी थी मैरिनर्स के साथ. और मैरिनर हॉलो, हॉलो मतलब आवाज लगाना. सो जब भी मैरिनर किसी ना किसी तरह की आवाज निकालते थे उसको बुलाने के लिए, वो तुरंत ही आ जाता था. इन मिस्टर क्लाउड ऑन मैस्ट और श्राउड इट पर्ज फॉर वेस्पर्स नाइन व्हाइल ऑल द नाइट थ्रू फॉग स्मोक व्हाइट ग्लिमर्ड द व्हाइट मून शाइन. मिस्ट और क्लाउड, मैस्ट और श्राउड, इट पर्ज फॉर वेस्पर्स नाइन. तो ये जो लाइन है आप सिर्फ एक सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो कि जो शिप है उसको किसी न किसी वजह से रुकना पड़ा फॉर नाइन लॉन्ग डेज. आई विल नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ द वोकैब हियर, बट आप सिर्फ इसका मीनिंग, इसका मतलब समझो. शिप को रुकना पड़ा नौ दिन के लिए एक जगह पे. ऐसा होता है जब यू नो देर आर प्रेडिक्शन कि आगे मत जाओ, देर इज समथिंग रॉन्ग और देर सम प्रॉब्लम. सो इट हैज टू स्टे देयर फॉर नाइन डेज. सो उन नौ दिनों में इन मिस्ट और क्लाउड, यानी कि वेदर इट वॉज मिस्ट, अगर फॉग भी था, अगर क्लाउडी भी था, वो जो एल्बेट्रॉस है, वाइल्स ऑल द नाइट थ्रू फॉग स्मोक व्हाइट ग्लिमर द व्हाइट मून शाइन. या सो इट पर्ज फॉर वेस्पर्स नाइन. इट कौन? इट मीन्स द एल्बेट्रॉस. इट पर्ज यानी कि वो आता था. इट यूज टू विजिट द शिप फॉर नाइन डेज, ठीक है, वाइल्स ऑल द नाइट थ्रू फॉग स्मोक व्हाइट ग्लिमर द व्हाइट मून शाइन. ये सिर्फ सीनरी का डिस्क्रिप्शन है कि मून जो था वो भी शाइन कर रहा था और फॉग स्मोक व्हाइट यानी कि जो फॉग का जो कलर है इट अपीयर एज इफ इट इज स्मोक व्हाइट. ये सिर्फ सीनरी का डिस्क्रिप्शन है. सो ये स्टैंजा का मीनिंग इतना ही है कि जो एल्बेट्रॉस है वो नौ दिन तक शिप को विजिट कर रहा था और सबके साथ खेल रहा था. गॉड सेव दी एंशियंट मैरिनर फ्रॉम द फीन्स दैट प्लेग दस दी व्हाई लुक्स दाउ सो विथ माई क्रॉसबो आई शॉट दी एल्बेट्रॉस. अभी ये जो हाइफन्स तक, सेकेंड हाइफन्स तक जो मीनिंग है और जो लाइन्स है दैट इज स्पोकन बाय द वेडिंग गेस्ट. ये वेडिंग गेस्ट बोल रहा है. अब होता ये है कि एक मैरिनर है, उसके सामने वेडिंग गेस्ट है और मैरिनर वेडिंग गेस्ट को अपनी कहानी बता रहा है. बताते बताते वो बता रहा है कि एल्बेट्रॉस के आने पे सब अच्छा हो गया और शिप को रुकना पड़ा और यू नो माहौल बहुत ही अच्छा हो चुका था. सडनली जो गेस्ट है वो इतना एनग्रॉस्ड हो गया उसकी बातों में और उसके फेस को देख रहा है. उसके फेस को देख के उसको रियलाइज हुआ कि ये बोलने के बाद मैरिनर थोड़ा उदास हो गया, थोड़ा ऐसा लग रहा था कि शायद वो प्रॉब्लम में है. तो वो पूछ रहा है मैरिनर को और उसको दुआ दे रहा है. गॉड सेव दी, दी मीन्स यू, गॉड सेव यू एंशियंट मैरिनर. सो गॉड सेव यू ओल्ड सेलर फ्रॉम द फीन्स दैट प्लेग दस दी. यानी कि गॉड आपको ये सारी मुसीबतों से बचाए. सो ही इज प्रेइंग फॉर द मैरिनर. व्हाई लुक्स दाउ सो, ऐसे क्यों दिख रहे हो, उदास क्यों दिख रहे हो? तो उसके जवाब में वो ये बताता है कि विथ माई क्रॉसबो आई शॉट द एल्बेट्रॉस, यानी कि मैंने एल्बेट्रॉस को मार दिया इसकी वजह से मैं उदास हूं. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. तो समराइज द फर्स्ट पार्ट, देर इज अ शिप और बहुत सारे क्रू मेंबर्स हैं. क्रू मेंबर्स जो हैं वो बहुत खुश हैं और शिप का हार्बर क्लियर हो चुका है, वो निकलने वाले हैं एक लॉन्ग जर्नी के लिए. हमें पता नहीं है, इट्स नॉट मेंशन व्हाट जर्नी इट इज ऑल अबाउट. एंड फिर जो सारे सब लोग हैं और शिप जो है वो
तकलीफ में पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ अ स्टॉर्म, बिकॉज ऑफ फॉग एंड मिस्ट, और ऐसा लग रहा है कि दे आर ऑल गोइंग टू डाई. एंड इन द मिडल ऑफ दैट मैरिनर देखता है कि एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा एक एल्बेट्रॉस शिप के ऊपर घूम रहा है. वो खा रहा है, ऐसी चीजें खा रहा है जो उसने कभी नहीं खाई. वो खेल भी रहा है. बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है क्रू और एल्बेट्रॉस के बीच. और ये जब सब कुछ चल रहा होता है तो कैसा है कि ह्यूमंस आर अनप्रेडिक्टेबल, राइट? दे जस्ट किल फॉर फन. तो ऐसे में मैरिनर को भी पता नहीं क्या दिमाग में आया, उसने एल्बेट्रॉस को क्रॉसबो, यानी कि इट्स अ बाण जो होता है, उससे उसने एल्बेट्रॉस को मार दिया. दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट. लेट्स बिगिन विद द पार्ट टू. मैं दूसरा एक वीडियो नहीं बनाऊंगा पार्ट टू के लिए, दिस इज अ कंटिन्यूएशन, ताकि आपको दूसरे वीडियो में नेविगेट ना करना पड़े. सो सेकेंड पार्ट गोज लाइक दिस. द सन नाउ रोज अपॉन द राइट, आउट ऑफ द सी केम ही, स्टिल हिड इन द मिस्ट, एंड ऑन द लेफ्ट वेंट डाउन इन टू द सी. अब ये जो पहला स्टैंजा है उसके जैसा ही लग रहा है पहले पार्ट में जो था, सन नाउ रोज अपॉन द लेफ्ट. अब मैरिनर इज स्टैंडिंग इन सच अ वे कि सनराइज हो रही है राइट से और सनसेट हो रहा है लेफ्ट से. ये सिर्फ उसका ऑपोजिट वर्जन है. स्टिल हिड इन मिस्ट एंड ऑन द लेफ्ट वेंट डाउन इन टू द सी. तो ये कह रहा है कि एल्बेट्रॉस को मार दिया, उसके बाद भी जो है सनराइज वैसे ही होती थी जैसे पहले होती थी, और कोई डेज वेंट एज यूजुअल, कोई प्रॉब्लम अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी. और जो रिमेनिंग स्टैंजा है आप उसमें देखोगे कि द मैरिनर्स एंड द सेलर्स आर रियली फीलिंग लोनली. ओके, नेक्स्ट इज एंड द गुड साउथ विंड स्टिल ब्लू बिहाइंड बट नो स्वीट बर्ड डिड फॉलो नॉर एनी डे फॉर फूड और प्ले केम टू द मैरिनर्स हॉलो. इसका मतलब ये है कि एल्बेट्रॉस को मार दिया, और एल्बेट्रॉस को मारने के बाद एटमोसफियर बहुत ही अच्छा हो गया. तो मैरिनर ये ऑब्जर्व कर रहा है कि उसको मारने के बाद ऐसा नहीं है कि एटमोसफियर वापस खराब हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हवा भी चल रही है. लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि देयर इज नो स्वीट बर्ड, कोई खेलने के लिए नहीं आ रहा है, कोई खाने के लिए नहीं आ रहा है, और चाहे मैरिनर्स कितनी भी आवाजें लगाए, देयर इज नो बर्ड दैट कम्स टू प्ले और टू ईट और फॉर एनी रीजन. यू नो पेट्स आर कंसिडर्ड टू बी समवन हु कैन किल योर लोनलीनेस. अगर आप अकेले रहते हो, इफ यू हैव अ पेट, it may be a dog, it may be a cat, it may be parrot or something. Well, I wouldn't advise you to get a parrot kyunki it's not a good gesture to trap birds because they have wings, they are meant to fly. Lekin agar dog ya cat rakhte ho to it will definitely kill your loneliness. So yahan pe jo hai, because the albatross was killed, ab sare sailors ko bahut hi zyada tanha mehsoos ho raha hai. Okay, and I had done a hellish thing and it would work him well. For all effort, I had killed the bird that made the breeze to blow. इसका मतलब ये है कि अब when you do something, आपके real life में भी तो सब लोग opinions देते हैं, ठीक है? For all effort, यानी कि सब लोग अपने अपने opinion दे रहे थे कि मैंने उस bird को मार दिया जिसकी वजह से atmosphere ठीक हो रहा था. So उन्होंने कहा कि उन्होंने, so you can imagine the mariner who killed the bird standing इन बिटवीन एंड अदर्स गिविंग ओपिनियंस कि यार क्या कर दिया तूने, यू हैव डन अ हेलिश थिंग, बहुत बुरा काम किया है तूने. और डेफिनेटली इट वुड वर्क एम वर्क देम वो मतलब ट्रबल, ठीक है? तो सब लोग ये कह रहे हैं कि तूने बर्ड को मारा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बुरा तो होगा ही होगा हमारे साथ, क्योंकि वो जो बर्ड है उसकी वजह से ही तो एटमोसफियर अच्छा हो रहा था. दैट वॉज अ क्रिश्चियन सोल. आह व्रेच सेड दे द बर्ड टू स्ले दैट मेड द ब्रीज टू ब्लो. So it has the same meaning. Avrech is just a feeling of sadness, and slay means to kill. Yani ki tune us bird ko mara jiski wajah se itni achi achi hawaye chalne lagi, tufan jo hai wo settle ho gaya. So you did a bad thing, aur mujhe lagta hai ki yani they are telling their opinions. What they are thinking is definitely there is something bad going to happen because you did this. Nor dim nor red like God's own head, the glorious sun uprist. Then all aboard I had killed the bird that brought the fog and mist. It was right, said they, such birds to slay that bring the fog and mist. अब क्या होता है कि आप अच्छा करो तो भी लोग बोलने वाले, आप बुरा करो तो भी लोग बोलने वाले, आप कुछ ना करो तो भी लोग बोलने वाले. तो यहां पे क्या होता है कि first two lines, glorious sun uprist, यानी कि glorious sun, the sun is huge, जो ship है
उसके बैकग्राउंड में देयर इज सनराइज, बहुत ही बड़ा सा, इट्स नॉट डिम नॉट रेड, यानी कि बहुत ही बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है, और ऐसा लग रहा था कि सनराइज इज लाइक गॉड रेजिंग इज हेड. ओके, और ऐसे में सो द फर्स्ट लाइन जस्ट डिस्क्राइब द सीनरी. ओके, एंड द नेक्स्ट फोर लाइन्स देन ऑल एवर्ड, यानी कि सब लोग वापस अपना ओपिनियन दे रहे थे कि मैंने जो बर्ड मारा, द बर्ड दैट आई किल्ड, द एल्बेट्रॉस दैट द मैरिनर किल्ड, यू नो, उसकी वजह से ही शायद तूफान आया था. यू नो, नाउ दे आर थिंकिंग समथिंग एल्स, क्योंकि अब कुछ कर तो सकते नहीं, द बर्ड कैनॉट हैव लाइफ. तो अब ये उसको कह रहे हैं कि तूने अच्छा काम किया, बर्ड को मारा तूने, तो उसकी वजह से यू नो द एटमोसफियर जस्ट सेटल, तो ऐसे बर्ड को तो मार ही देना चाहिए. इट वॉज राइट दे सेड सच बर्ड टू स्ले दैट ब्रिंग द फॉग एंड मिस्ट. द फेयर ब्रीज कंटिन्यूज. ओके, ये तो डिस्क्रिप्शन है. द फेयर ब्रीज ब्लू, द व्हाइट फॉर्म फ्लू, द फरो फॉलोड फ्री, वी वर द फर्स्ट दैट एवर बर्स्ट इनटू द साइलेंट सी. तो ये देखो, ये बाकी जितने भी स्टैंजास हैं उसमें तन्हाई दिखाई गई है. द फेयर ब्रीज ब्लू, द व्हाइट फॉर्म फ्लू, द फरो फॉलोड फ्री. फरो इज द पार्ट ऑफ द शिप जो पीछे रहता है, एंड फॉलोड फ्री मतलब व्हाइट फोम फ्लू, एंड फॉलोड फ्री का मतलब यह है कि जब शिप आगे बढ़ता है तो देर इज अ फोम विच इज लेफ्ट बिहाइंड. कोई भी आप कोई भी वीडियो देखोगे जिसमें शिप आगे बढ़ रहा है, यू सी अ फोम लाइक ट्रेल लेफ्ट बिहाइंड, यू नो. सो अगेन, वेदर बहुत अच्छा हो चुका है और जहां भी वो आगे जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो पहले हैं शिप में आने के लिए. इन टू द साइलेंट सी, द साइलेंट सी इंडिकेट्स लोनलीनेस. वाई इट इंडिकेट्स लोनलीनेस? एल्बेट्रॉस के पहले भी तो साइलेंट था. हाँ, साइलेंट था, लेकिन एल्बेट्रॉस के आने के बाद लोगों को यू नो दे फेल्ट अ डिफरेंट कंपनी, उनको मजा आ रहा था. सो दैट्स वाई वी वर द फर्स्ट दैट एवर बर्स्ट, यानी कि वो पहले लोग थे जो शिप में यू नो दाखिल हुए, या तो हम कह सकते हैं कि दैट बर्स्ट इन टू द साइलेंट सी. सो द सी इज डेड साइलेंट. आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, इफ यू स्टैंड एट अ सी शोर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ साइलेंस, डेड साइलेंस. इसीलिए लोग बीचेस पे वगैरह यू नो टू रिफ्रेश दे गो टू द बीचेस, सो दैट जो साइलेंस है, द नॉइस ऑफ द वेव्स, दे मेक देम फ्रेश. सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट साइलेंस सी. बट हियर इट इज मोर रिलेटेड टू सैडनेस, क्योंकि पीपल आर फीलिंग लोनली एंड यू नो दे किल द एल्बेट्रॉस. सो दैट्स व्हाट इट मीन्स. नेक्स्ट स्टैंजा, डाउन ड्रॉप द ब्रीज, द सेल्स ड्रॉप डाउन. It was sad as sad could be, and we speak only to break the silence of the sea. So down dropped the breeze, the sail dropped down. Sail dropped down का मतलब हवाएं चल रही थी, इसलिए sails भी ऊपर थे, and sails की वजह से ही तो ship आगे बढ़ता है, ठीक है? Down dropped the breeze, अचानक हवाएं थम गई. It was sad as could be, बहुत ही दर्दनाक atmosphere होने लगा वापस, and we speak only to break the silence of the sea. यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो कि एक वाटर बॉडी है, उसके ऊपर शिप है और हवाएं चल रही है. एटलीस्ट इट मेड सम सॉर्ट ऑफ नॉइस. ओके, हवाएं की वजह से सेल्स का नॉइस आता था, शिप का नॉइस आता था, लेकिन अब तो हवाएं भी बंद हो गई. तो जो एटमोसफियर था वो ऐसा था कि देर इज नो साउंड एट ऑल, एंड कोई भी अगर बोल रहा था, कोई भी कुछ कर रहा था, वो इसीलिए कर रहा था कि डरावना साइलेंस था. So they had to make some noise. तो इसलिए वो कुछ ना कुछ बोलते रहते थे. All in a hot and copper sky, the bloody sun at noon, right up above the mast did stand, no bigger than the moon. अब जो sun है वो भी थोड़ा cruel होने लगा. Bloody sun, यानी कि इतना तेज, इतना cruel, इतना intense. दोपहर में sunrise ऐसा हो गया कि they could not bear it. That's why they said bloody. All in hot and copper sky. Copper sky क्यों बोला गया? क्योंकि copper का color जो होता है, that is compared with the sky color. So आप imagine कर सकते हो एक you know hot atmosphere or with the color of a copper, and there is a sunrise and it is on the top of the heads of the sailors, right up above the mast did stand, no bigger than the moon. So ऐसा लग रहा था कि sun और moon का size एक है. We know that the size of the moon is comparatively bigger, you know, than the sun. So ऐसा लग रहा था कि ये sun नहीं moon है, and it is very cruel, very hot. Day after day, we stuck, no breath, no motion, as idle as a painted ship upon a painted ocean. So, din nikalte gaye, aise nikalte rahe din,
और ना कोई हिल रहा था, ना कोई बात कर रहा था, ना कोई एक्टिविटी हो रही थी शिप पे। और अगर कोई थर्ड पर्सन देखता ये सिचुएशन को तो शायद उसको ऐसा लगता कि एक शिप, पेंटेड शिप पड़ी हुई है ओशन पे, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी हो नहीं रही है। वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल बोर्ड्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चारों तरफ पानी है लेकिन पीने के लिए कुछ नहीं है। दैट इज वेरी पॉसिबल, क्योंकि आप जो रिवर का पानी है या सी का पानी है वो नहीं पी सकते, इट इज वेरी सॉल्टी। और शायद आप एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे तो यू माइट बी प्रोन टू डिसीजेस, सो यू कैन नॉट ड्रिंक दैट वाटर। सो इसलिए कहा गया है कि पानी चारों तरफ है लेकिन शिप में पानी नहीं है, शिप में जो पानी था पीने के लिए वो खत्म हो चुका है। ओके, नोबडी हैज वाटर एनीमोर। अब हवा कम हो चुकी है तो शिप मूव भी नहीं हो रही है, शिप इज गोइंग नोवेयर, राइट। सो ऐसे में प्यास तो लगेगी, सो एवरीबडी हैड द वाटर, मे बी योर बॉटल्स और जग्स, वो सब खत्म हो चुके थे। सो दैट्स व्हाई वाटर वाटर एवरीवेयर बट नो वाटर ड्रॉप टू ड्रिंक। तो वेरी डीप दे ड्रॉट ओ प्राइस। अब ऐसा लग रहा था सिचुएशन वापस खराब हो रही थी, यानी कि जो ओशन है उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि ओशन इज रॉटन, सब सड़ चुका है। एंड ओ क्राइस्ट इट इंडिकेट्स सैडनेस द वेरी डीप डिड रॉट विथ थ्रोट्स अनस्लेक्ड विथ ब्लैक लिप्स बेक्ड वी कुड नॉट लाफ नो वेल थ्रू अटर ड्रॉट ऑल डम वी स्टूड। आई एम सॉरी, आई थिंक आई went far ahead. Okay, so first line we did that ever this should be, yes, slimy things did crawl with legs upon the slimy sea. So that ever this should be, यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है, और अब उनको slimy creatures दिख रहे हैं sea के ऊपर, they are crawling with their crawling legs and crawling monsters. अब we can say that either उनको ऐसा आभास हो रहा है, either they are it's just a perception or it might be actually happening. क्योंकि यू नो दे बिलीव दैट देर आर सम सोल्स दैट वी आर फॉलोइंग देम आफ्टर दे किल द एल्बेट्रॉस। सो एटमोसफियर चेंज हो रहा है, पानी पीने के लिए नहीं है, और अब उनको क्या हो रहा है, अब उनको दिख रहे हैं मॉन्स्टर्स विद क्रॉलिंग लेग्स अपन स्लाइमी सी। स्लाइमी मतलब इट्स नॉट फ्रेश, इट्स ऑल पोल्यूटेड। सो जो सी है, नाउ दे सी इट एज पोल्यूटेड, और बहुत सारे मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स हैं विद क्रॉलिंग लेग्स। अबाउट अबाउट इन रील एंड राउट The death fires dance at night. The water, like witch's oil, burn green and blue and white. So, reel and rout is a kind of a dance. I think आपको meaning दिया गया है textbook में. The death fires dance at night. अब दिन में तो ये सब दिख रहा था, रात में भी ऐसा लग रहा था कि शायद there is fire dancing all around. Water, water everywhere and no water to drink. So पानी भी खत्म हो चुका था. रात में जो है they used to see fires dancing, like witch's oil. Now who's a witch? Which is a bad lady, ठीक है, and they are considered to do black magics, और वो बहुत तरह के oils use करते हैं, so that's why the water is compared with witch oils. और क्या कलर था उसका, वो green भी था पानी, blue भी था, white भी था. And some in dreams assured were of spirit that plagued us so, 9 fathom deep had he followed us from the land of mist and snow. So, some in dreams assured were of the spirit that plagued us so. कुछ जो सेलर्स थे वो रात में जब सो रहे थे उनको एक सपना आया कि शायद वो इसलिए मुसीबत में है सब लोग क्योंकि कुछ स्पिरिट्स, as I said, शिप को फॉलो करने लगे थे जब से मैरिनर ने एल्बेट्रॉस को मारा. 9 fathom deep, fathom is a unit of measurement of the depth of water, maybe in a ocean or a river. So 9 fathom deep, ship ke exactly 9 fathom deep kuch spirits the jo ship ko follow kar rahe the kyunki unko badla lena tha albatross ki death ka. So ye jo hai situation sailors ko sapne mein dikhi. And every tongue through utter drought was withered at the root, we could not speak no more than if we had been choked with soup. Every tongue through utter drought was withered at the root, yani ki jo apni tongue hoti hai withered, यानी कि इतनी dry हो चुकी है, there is not a single drop of saliva left which can help everyone to speak. So इतनी ज्यादा dry हो चुकी है, drought यानी कि पानी ही नहीं है पीने के लिए. We could not speak no more than if we had been choked with soot. वो बोल ही नहीं पाते थे.
ऐसा लग रहा था कि सबके गले में सूट जो है फंस चुका है. सो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जलाते हो, व्हाट इज लेफ्ट? कार्बन. तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा यू नो कार्बन जो है अगर फंस जाता है गले में तो कैन यू स्पीक? यू कैन नॉट. सो चोक्ड यानी कि गला घुटन महसूस करना. सो सबको घुटन महसूस हो रही थी. क्यों? क्योंकि पानी नहीं था, इट वॉज ड्रॉट एंड इट सीम एज इफ दे हैड बीन चोक्ड विद सूट. Ah, well a day, what evil looks had I from old and young, instead of the cross, the albatross about my neck was hung. So, mariner को सब लोगों ने इस नजर से देखा, इतनी बुरी नजर से देखा, क्योंकि अब वापस वो ये सोच रहे थे कि शायद इस mariner की वजह से ही वापस गड़बड़ हुई है, इस mariner की वजह से ही everyone was suffering, इस mariner की वजह से ही they were bad spirits who were following the ship. So, सब लोग तरह तरह के लुक्स देने लगे, बूढ़े बच्चे सब लोग. और अब क्या किया उन्होंने, मैरिनर को पनिश तो करना पड़ेगा. तो कैसे पनिश करेंगे? जो एल्बेट्रॉस को मारा था उसकी बॉडी शिप के ऊपर ही थी, और मैरिनर को उसके जो डीड्स हैं, उसके जो कर्म हैं, उसकी याद दिलाने के लिए उन्होंने एल्बेट्रॉस को मैरिनर के गले में टांग दिया. सो इंस्टेड ऑफ द क्रॉस, इसका मतलब क्या है कि गले में क्या पहनते लोग? क्रॉस पहनते. लेकिन मैरिनर के गले में क्या आ चुका? एल्बेट्रॉस. व्हाई? इट वाज जस्ट टू रिमाइंड हिम ऑफ व्हाट ही डिड एंड हाउ ही मेड द पीपल सफर. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम. आई होप आई वाज क्लियर, आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड. अगेन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी में ना समझे, थिंक इन इंग्लिश. देयर इज अनदर वीडियो ऑफ माइंड जिसमें मैंने इंग्लिश में समझाया है. प्रैक्टिस इंग्लिश. इंग्लिश इज समथिंग दैट यू नीड प्रैक्टिस. आप ऐसा नहीं है कि यू नो 5 मिनट का वीडियो देखा और इंग्लिश मास्टर कर गए. इट्स नथिंग लाइक दैट. सो आई होप यू लाइक दिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. मैं चैनल कोई मॉनिटरी बेनिफिट के लिए नहीं बना रहा हूँ. आई जस्ट लव रीडिंग लिटरेचर एंड इंग्लिश एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू हेल्प यू. आई वांट टू हेल्प यू स्कोर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में ऐसा कोई भी बच्चा ना रहे जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, बिकॉज आई नो हाउ इंग्लिश वर्क्स. और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ. आई वांट टू हेल्प यू ग्रो. Alright, thanks for watching and I wish that you have a great day ahead.